वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री है कि रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी हैव डिस्कस्ड दैट रिलेशन बिटवीन द एंगल एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। माइंड इट, एंगल एंड साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो भी काम करते हैं, इन जनरल हम लोग 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल्स में काम करते हैं। तो देखो, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल में अगर एक 90 डिग्री राइट एंगल है, तो ऑब्वियसली बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री एंगल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है पर लेस देन 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आइदर इस एंगल को लेके इस एंगल के साथ इसका जो साइड्स है तो उसका रिलेशन बना सकते हैं, या फिर इस एंगल को थीटा लेके इस एंगल के साथ क्या साइड्स का रिलेशन होगा वो बना सकते हैं, वही हम लोग देखेंगे। तो एक बात है कि ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो जो एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री एंगल के जो ऑपोजिट साइड का एंगल होगा वो होगा हाइपोथेनस, याद रखना, ठीक है। ये मेन कौन सा हाइपोथेनस है, कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, वो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो जो एंगल 90 डिग्री होगा उसका ऑपोजिट साइड हमेशा हाइपोथेनस होगा हुआ, और बाकी क्या रहेगा, एक परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री। अब कौन से साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे और कौन से साइड को हम लोग बेस लेंगे? तो अगर हम लोग यहाँ पे थीटा इस एंगल को लेके मेजर करते हैं, ठीक है, इस थीटा एंगल एक्यूट एंगल को लेके अगर हम लोग रिलेशन बनाने चाहेंगे, तो थीटा के साथ जो साइड होगा वो होगा बेस एंड बाकी होगा परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये थीटा है तो ये वाला पोर्शन होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, क्लियर। और अगर यहाँ पे ये अगर हाइपोथेनस है, अगर हम इसको थीटा लेंगे, ठीक है, तो इसको अगर थीटा लोगे तो थीटा के साथ जो ये तो हाइपोथेनस है, तो थीटा के साथ कनेक्टेड साइड कौन सा है, ये वाला है, तो तब जाके हम लोग इसको बेस लेंगे और बाकी वाला जो है वो होगा परपेंडिकुलर। हमेशा थीटा पहले 90 डिग्री निकालना होगा, 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोथेनस आएगा, फिर देखोगे कि किस एंगल के रेस्पेक्ट में ये रिलेशन को बनाना पड़ रहा है। तो पहले तो जो एंगल को थीटा लेंगे होगा, तो थीटा क्या मतलब, थीटा मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो अगर इसको थीटा लोगे तो इसका जो कनेक्टेड मतलब जो इसका एडजेसेंट साइड वाला होगा तो वो होगा बेस, अगर इसको थीटा लोगे तो ये होगा बेस। तो बेस और हाइपोथेनस मिल जाएगा तो बाकी हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही रिलेशन दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी है 90 डिग्री, तो बी का ऑपोजिट ए सी है हाइपोथेनस। थीटा एंगल हम लोग लिया है सी को, तो सी अगर थीटा है तो बेस कौन सा होगा, बी सी बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बाकी जो रहेगा ए बी होगा, ठीक है। तो ए बी है परपेंडिकुलर, ए सी है हाइपोथेनस एंड बी है बेस। अब है रिलेशन क्या है, तो ए तो थीटा है, तो साइन थीटा का रिलेशन आता है पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, ठीक है। कॉस थीटा आता है बेस बाई हाइपोथेनस, बी बाई एच, और टेन थीटा है पी बाई पी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। तो तुम लोगों को ये याद रखना है, पी बी परपेंडिकुलर और बेस दोनों में आएगा एच एच, तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा, साइन एंड कॉस, और बाकी टेन थीटा आएगा, टेन थीटा है साइन डिवाइडेड बाई कॉस, ठीक है। टेन थीटा है साइन आएगा कॉस आएगा, मतलब पी बाई बी। तुम लोग अगर सिर्फ साइन थीटा एंड कॉस थीटा याद रखोगे तो बाकी आ जाएगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या आएगा, पी बाई एच बी बाई एच, ये याद रखोगे, पी बाई एच बी बाई एच। अगर पी बाई एच बी बाई एच याद रहेगा तो साइन टेन आएगा पी बाई बी, तो साइन कॉस टेन थीटा। अब कोसेक, कोसेक है साइन का इनवर्स, तो साइन के इनवर्स मतलब एच बाई पी आ जाएगा। सेक क्या है, कॉस का इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, एच बाई बी।
एंड कॉट क्या है, टेन का इनवर्स मतलब बी बाई पी। तो तुम लोगों का साइन पर ये ऑर्डर को याद रखना है कि साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, तो साइन के साथ कोसेक आएगा, कॉस के साथ सेक आएगा एंड टेन के साथ कॉट आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अगर हम लोग ये नीचे को थीटा को लेंगे, पर अगर हमको ये ए को अगर हम थीटा लेंगे, तो ए को थीटा लोगे तो बेस क्या होगा, ये वाला बेस है और ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। मतलब बेस एंड परपेंडिकुलर होगा पी बाई एच, पर उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब ये अगर थ्री है और ये अगर फोर है, तो तब जाके ये अगर थ्री ये अगर फोर है, तो अगर इस थीटा को लोगे तो बेस हो जाएगा फोर एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा थीटा, और अगर इस एंगल को लोगे बेस हो जाएगा थीटा परपेंडिकुलर हो जाएगा फोर, ठीक है। मतलब बेस एंड थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, पर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा, तब जब हम लोग उसको वैल्यू लेके काम करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर थीटा लोगे तो परपेंडिकुलर कौन सा है, ये परपेंडिकुलर है बी सी एंड ए सी तो हाइपोथेनस है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड एंड बेस है ए बी, तो ये होगा बेस। तो साइन थीटा क्या आएगा, पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई एच मतलब बी सी बाई ए सी, और यहाँ पे देखो पी बाई एच क्या हुआ, ए बी बाई ए सी, ये वैल्यू चेंज हो जाएगा साइड वाला। कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच, बी मतलब क्या है ए बी बाई ए सी, यहाँ पे कॉस थीटा क्या है बी सी बाई ए बी, बी बाई एच। और टेन थीटा कॉस ए क्या है, इसका रिवर्स, टेन थीटा है पी बाई बी, पी बाई बी मतलब यहाँ पे क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब ए बी बाई ए बी बाई बी सी, और यहाँ पे क्या होगा बी सी बाई ए बी रिवर्स। तो हमेशा जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग देखेंगे कि कौन से एंगल एक्यूट एंगल को थीटा लेके कम करने के लिए बोल रहा है। अगर ए सी बी थीटा होगा तो उसके हिसाब से ये वाला बेस होगा, और अगर सी ए बी थीटा होगा तो उसके हिसाब से ये वाला बेस होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एक ही ट्रायंगल का, अगर ट्रायंगल सेम है पर उसका अगर थीटा हम लोग अलग ले, तो फिर साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट सबका वैल्यू चेंज हो जाएगा। माइंड इट, सेम ट्रायंगल का इफ वी कंसिडर सेम ट्रायंगल बट वी टेक द थीटा वैल्यू आइदर एनी वन ऑफ दिस, देन देयर साइन वैल्यू विल बी चेंजेस, ओके बी चेंज। एग्जाम्पल देखो, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री है एंड ए सी इज 6 बी सी इज 8, दोनों वैल्यू दिया है 6 एंड 8, ठीक है। फाइंड साइन ए कॉस ए टेन ए से के कोस ए के कॉट ए, ए मतलब थीटा, तो ए मतलब थीटा मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोला गया है, ठीक है। तो जब इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो फिर क्या हो जाएगा, ए सी होगा बेस एंड बी सी होगा परपेंडिकुलर, और ये तो है हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमेशा देखना पड़ेगा कि कौन से एंगल में साइन का वैल्यू निकालना है। तो ए एंगल, ए मतलब क्या है, ए वाला एंगल, तो इस एंगल को अगर हम थीटा लेंगे मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम निकालना चाहेंगे, तो ए सी क्या होगा बेस होगा, तो ये देखो बेस ए सी, परपेंडिकुलर होगा बी सी होगा, बी सी है परपेंडिकुलर 8, और ये है हाइपोथेनस। तो हाइपोथेनस मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम 8 स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, उसको अगर वैल्यू हम लोग निकालेंगे 10 हो जाएगा। तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोथेनस तीनों का वैल्यू मिल गया। तो साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, पी क्या है यहाँ से निकाल लो 8 बाई 10 हो गया। कॉस है बी बाई एच, बी क्या है 6 बाई 10, 10 क्या है पी बाई बी, पी बाई बी मतलब 8 बाई 6, और कोसेक क्या है इसका रिवर्स एच बाई पी, तो सबका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब और क्या निकालना है, साइन बी कॉस बी टेन बी सेक बी। तो यहाँ पे देखो ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में और ये एंगल बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में मतलब ये लोगे, तो जब इस एंगल को रिस्पेक्ट में लोगे तो बेस कौन सा होगा, ये होगा, तो तब जाके देखो बेस होगा बी सी एंड परपेंडिकुलर होगा ए सी, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि कौन से एक्यूट एंगल को थीटा लेके हम लोगों को ये निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है।
तो एच निकाल लो, ऑब्वियसली एच 10 ही होगा क्योंकि बी सी जो भी हो एच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एच 10 ही होगा। अब साइन है पी बाई एच, तो पी क्या है, पी है हम लोगों का 6, एच है 10। देखो 6 बाई 10 मतलब 5 बाई 3 बाई 5, तो सेम ही एंगल है, पर जैसे कि एंगल चेंज हो गया तो इसलिए यहाँ पे साइन निकला 4 बाई 5, यहाँ पे साइन बी है 3 बाई 5, दोनों चेंज हो जाएगा। तो सेम ही एंगल में अगर हम लोग थीटा अलग ले तो वैल्यू विल बी चेंज्ड, तो थीटा मस्ट बी टेकन प्रॉपरली, उसको ठीक तरीके से लेना है। अब कॉस भी है बी बाई एच, बी बाई एच मतलब बी है 8 एंड एच है 10, तो 4 बाई 5, अब 10 है फिर पी बाई बी मतलब 3 बाई 4, ठीक है। तो सभी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जैसे कि एक सिर्फ इसका एंगल का अलग से लेने के लिए वजह से। ओके अब यहाँ पे क्या देखे, इफ एक्स इज द एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड साइन एक्स दिस, मतलब साइन एक्स वैल्यू दे दिया गया है, तो सिर्फ एक्स दिया है तो एक्स हम कुछ भी ले सकते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल एक्स, तो ए बी सी में यहाँ पे एक्स दिया है और कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक्स दिया है और क्या दिया है, साइन एक्स 3 बाई 5, तो साइन एक्स 3 बाई 7 सॉरी, तो साइन एक्स मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस पी बाई एच, तो 3 बाई 7 मतलब पी बाई एच, पर ये रेशियो है ठीक है, तो ये रेशियो मतलब पी इक्वल्स टू 3 एंड एच इक्वल्स टू 7 हम लोग नहीं ले सकते डायरेक्टली, ये याद रखना। यहाँ पे देखो यहाँ पे साइन ए इक्वल्स टू 4 बाई 5 निकला, पर डायरेक्ट साइन ए का वैल्यू 4 बाई 5 नहीं है, 8 बाई 10 है, उसको कैंसिल करके 4 बाई 5 आया ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट पारपेंडिकुलर 4 और हाइपोथेनस 5 नहीं ले सकते ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 8 बाई 10, मतलब कुछ मल्टीप्लाई करके ही 4 बाई 5 से मल्टीप्लाई करके ही ओरिजिनल वैल्यू आता है, इसलिए कभी भी कोई भी फ्रैक्शन को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते ठीक है। तो साइन एक्स 3 बाई 7 दे दिया, 3 बाई 7 मतलब 3 साइन एक्स वैल्यू परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस पी बाई एच, तो तुम लोग हमेशा वो साइन पी बाई एच कॉस बी बाई एच टेन पी बाई बी ये तीनों याद रखोगे। तो पी का हम लोग क्या ले सकते हैं, पी इक्वल्स टू 3 के, मतलब 3 के साथ तुम लोग तो रेशियो जानते ही हो, और एच इक्वल्स टू 7 के, तो एच निकालोगे, एच क्या निकला, एच तो दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से बी निकालेंगे, बी निकाल के क्या आया 2√10 के हो गया। आप बाकी का फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब तो फिर तो पी एच बी मिल गया, के को लिखना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, के को नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा। अगर फ्रैक्शन से रेशियो से हम लोगों को वैल्यू निकालना है तो यू मस्ट राइट के, वेयर के इज नॉट ए जीरो ठीक है। अब कॉस एक्स क्या है, कॉस एक्स है बी बाई एच, तो बी बाई एच मतलब क्या आता है, यहाँ पे बी बाई एच मतलब आता है हम लोगों का कि बी क्या है, बी है 2√10 के एंड एच है 7 के, तो के कट जाएगा, ये है कॉस, 10 है पी बाई बी, पी क्या है, पी है 3 के एंड बी क्या है 2√के कट जाएगा, तो 3√10, तो इस तरीके से हम लोग बाकी रेशियो निकाल पाएंगे ठीक है। तो कोई भी अगर एक एंगल का वैल्यू दिया रहेगा तो उससे हम लोग बाकी का एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कोई भी एक एंगल का दिया रहेगा तो हम लोग आइधर पी बाई एच या फिर बी बाई एच या फिर पी बाई बी, तो दो तो साइड मिल ही जाएगा, तो उससे हम लोग थर्ड साइड को निकाल सकते हैं ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल देखे कि टेन थीटा इक्वल्स टू 4/3, देन शो दैट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5, ये भी ईजी है। टेन थीटा 4/3 मतलब टेन थीटा मतलब क्या है, पी बाई बी, तो टेन थीटा 4/3 मतलब पी बाई बी, तो पी क्या होगा 4 के, बी होगा 3 के। अब एच निकालो, एच क्या हुआ 5 के, तो साइन थीटा क्या है पी बाई एच, तो पी बाई एच क्या हुआ 4/5। कॉस थीटा क्या है बी बाई एच मतलब 3/5, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा आया, तो उसको प्लस करके देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड आ जाएगा, तो प्रूफ। तो हमेशा ये याद रखना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू अगर दे दिया रहेगा
तो उसके उससे हम लोग पी बी एच कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हम लोगों को उसको के लेके निकालना पड़ता है। डायरेक्ट रेशियो से वैल्यू हम लोग नहीं डाल सकते कि डायरेक्ट पी को 4 बी को 3 हम लोग नहीं बोल सकते, ये इसको याद रखना है, ठीक है।